तो गाइस जहाँ पे फ्री फायर गेम जो है दिन ब दिन और भी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, जो लोग फ्री फायर गेम को नहीं जानते थे वो लोग भी जो है फ्री फायर गेम को जानने लगे हैं। ये गेम जो है और भी ज़्यादा दिन ब दिन फेमस होने लगा है। एंड इसी के एकदम उलट एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे इसमें जो है रोज़ नए यूज़र्स ऐड हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी यूज़र्स हैं, बहुत सारे इसके ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो कि गेम को छोड़ के जा रहे हैं, वो एकदम से गेम खेलना बंद कर दे रहे हैं, गेम को छोड़ ही दे रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसे बहुत सारे फ्री फायर प्लेयर्स हैं जो कि फ्री फायर गेम को छोड़ रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या है आखिर वो कारण कि बहुत सारे लोग जो है अब धीरे धीरे फ्री फायर गेम को छोड़ रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर लोग फ्री फायर गेम को क्यों छोड़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को भी जो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग फ्री फायर गेम को अभी छोड़ रहे हैं, तो हर एक लोगों का तो एक अलग अलग परेशानी भी होता है। किसी का फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि सबका क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या प्रॉब्लम है, बट मैक्सिमम प्लेयर्स का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, एक नहीं बहुत सारा कॉमन प्रॉब्लम होता है। तो वो तो मैं आप बता ही सकता हूँ कि आखिर वो कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स ने जो है कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फ्री फायर छोड़ दिया है, मैंने उनसे भी जो है बात किया। एंड इसी के साथ साथ जो है मैंने इसके ऊपर जो है और भी थोड़ा ध्यान दिया, मैंने भी थोड़ा सोचा। एंड मैं भी जो है कुछ टाइम पहले तक सोच रहा था कि फ्री फायर गेम को जो है छोड़ दूँ, तो मैंने भी ये भी थोड़ा सोचा कि मैं भी आखिर फ्री फायर गेम को जो है क्यों छोड़ना चाहता था। मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा रिसर्च किया, तो जो जो चीज़ें सामने निकल के आएँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है एकदम ध्यान दे के सुनना चाहिए। आप लोगों को भी ये पता लगना चाहिए कि आखिर बंदे फ्री फायर गेम को क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो फ्री फायर गेम में जो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि रोज़ रोज़ जो है फ्री फायर गेम पे हमें नए नए चीज़ें देखने को मिल रही है। रोज़ हमेशा एक एक नए नए बंडल्स देखने को मिलते हैं। हर दो से तीन दिन में आप लोगों को एक नया इवेंट देखने को मिलता है। जिन जिन चीज़ों की जो है लोगों को ज़रूरत नहीं है वैसी वैसी चीज़ें जो है यहाँ पर दी जा रही है। आप लोग समझ सकते हो कि अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास तीन एक ही की स्किन है, एक ड्रैगन एक है, एक फ्लेमिंग के एंड एक विंटरलैंड एक है। आप लोगों को चलाना सिर्फ एक ही एक है, ड्रैगन एक है, तो आखिर तीन स्किन का क्या फ़ायदा? आप लोगों के पास दो स्किन तो सिर्फ फालतू की कलेक्शन के नाम पे पड़ी हुई हैं, तो आखिर लोग ये करें क्यों? अगर लोगों को जितना ज़रूरत है उतना ही गेम को देना चाहिए। फ्री फायर जो है रोज़ नई नई चीज़ें दे रहा है, बंदे जो है हर मैच के बाद एक नया बंडल नहीं पहनते, हर मैच ख़त्म होने के बाद वो बंडल जो है नहीं चेंज करते अपना, ज़्यादा से ज़्यादा बंडल उनके कलेक्शन में बस यूं ही पड़ा रहता है, कलेक्शन के नाम पे बस वहाँ पे वो पड़ा रहता है, उसका कोई भी यूजेज नहीं है। बट चलो अब अगर फ्री फायर वाले दे रहे हैं तो उनको भी तो थोड़ी इनकम की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं, वैसे जितना उनके इनकम की ज़रूरत है वो वैसे एलाइट पास से वो इजली जो है अपने गरीना जो है वो इजली सिर्फ एलाइट पास हर महीने महीने दे के ही जो है वो आराम से जो कंपनी चलाया जा सकता है। बट फिर भी अगर उसे ज़्यादा कमाई का ज़रूरत है तो वो ऐसे जो इवेंट्स दे रहा होगा। बट इवेंट्स अगर दिया भी जा रहा है तो आप लोग ये अच्छे से देख पा रहे होगी कि अब जो है पहले के अकॉर्डिंग इवेंट्स के जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा ही जो है बढ़ गई है। पहले हमें टॉपअप इवेंट, यहाँ तक कि वन डायमंड टॉपअप इवेंट भी देखने को मिला एक टाइम पे। वन डायमंड के बाद जो है हमें फिर 40 डायमंड टॉपअप इवेंट देखने को मिला, 50 डायमंड टॉपअप इवेंट देखने को मिला, एंड 50 डायमंड टॉपअप इवेंट के बाद हमें 100 डायमंड, एंड अभी मुझे नहीं लगता कि अभी 200 डायमंड से जो है कम पे कोई टॉपअप इवेंट आता है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा सा कारण हो जाता है कि बहुत सारे बंदे जो है परेशान हो गए हैं कि हम आखिर कितना कितना चीज़ें लेते रहेंगे गेम पे, मतलब कितने सारी चीज़ें ले, वो जो है अब बोर हो चुके हैं, उनका जो है गेम के ऊपर से इंटरेस्ट हट चुका है। उनको भी लगता है कि रोज़ वही एक चीज़, एक फ्री फायर वाले एक नया इवेंट दे देंगे, वही फिर वही गेम को घिसना है। तो इस कारण से भी जो है बहुत सारे बंदे जो है फ्री फायर को छोड़ रहे हैं, कुछ उन्हें इंटरेस्ट नहीं लग रहा है गेम पे, इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा है इस फ्री फायर में। हर दिन उन्हें एक नया इवेंट देखने को मिल जाता है, हर एक दो कुछ दिनों में जो उन्हें एक नया इवेंट देखने को मिल जाता है वही अब उनको जो है डायमंड टॉपअप करना पड़ता है, और फिर जाके डायमंड बर्बाद करके वो नया बंडल निकालना पड़ता है। दो दिन पहनने के बाद जो है वो बंडल फिर से पड़ा रहता है।
एंड मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखा है कि आप लोग जो है सामने वाले एनिमी का उतना भी ज़्यादा बंडल नहीं देखते हो। अगर हो सकता है कि सामने वाला एनिमी अगर क्रिमिनल पहना है, हो सकता है अगर उसने ग्रीन क्रिमिनल पहना है या फिर कोई भी क्रिमिनल या फिर कोई भी रेयर ड्रेसेस पहना है, तो ही शायद से आप लोग देखोगे उसको। अगर वो लेटेस्ट डायमंड रॉयल पहना होगा तो आप उस सामने वाले एनिमी को नहीं देखोगे उतना भी। अगर क्रिमिनल रेड क्रिमिनल पहना होगा तब उस एनिमी पर आप ध्यान भी दोगे। तो आखिर ये जो नए नए डायमंड रॉयल, ये जो नए नए आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है, अगर आप ये निकालते भी हो ये डायमंड खर्च करके, तो आखिर ये आप किसको दिखाने के लिए निकाल रहे हो? ये सिर्फ आप अपने ही दोस्तों को दिखाने के लिए निकाल रहे हो, अपने ही फ्रेंड्स को जो दिखाने के लिए निकाल रहे हो, उन्हें चिढ़ाने के लिए। अब बहुत सारे बंदों को जो है ये बात गलत लगेगा, बट ये बात जो है एकदम सही है कि आप जो है सामने वाले एनिमी को उतना नहीं दिखा रहे हो। गेम के अंदर आपका वो बंडल कुछ काम नहीं आता है, बट आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, उनको ख़राब लगे, उनको आप चिढ़ाने के लिए जो है ज़्यादा किसी बंडल को निकालने का सोचते हैं। खुद को खुश करने के लिए आप ये चीज़ ज़्यादा सोचते हो कि मैं अगर उसको दिखाऊंगा तो यार अच्छा लगेगा, पर यह खुशी जो है ज़्यादा देर तक भी आपके पास नहीं रहती है, क्योंकि एक बंडल को आप कितना देर पहन सकते हो? एक ही बंडल अगर आप निकालते हो तो उसको भी जो है आप नहीं पहनोगे। मैंने ये चीज़ देखा है बहुत, मैक्सिमम बंदों का जो है एक परफेक्ट ड्रेसअप हो जाते हैं, मतलब कि वही ड्रेसअप जो है मैक्सिमम बंदे एक ही ड्रेसअप को जो है पहनना पसंद करते हैं। अगर वो कोई नया आइटम निकालते हैं, अगर वो कोई नया चीज़ निकालते हैं कहीं से, तो उसे बस दो से तीन दिन पहनने के बाद जो है वो फिर से अपने उसी पुराने वाले ड्रेसअप पर ही आ जाते हैं। एक ही एबिलिटी वाले जो हैं आप लोगों को बहुत सारे स्किन्स जो है देखने को मिल जाएंगी। सेम एबिलिटी रहता है, बस उसमें जो है हर एक गन स्किन में जो है कलर अलग अलग दे दिया जा रहा है अभी के टाइम पे। एंड ये सब किस लिए किया जा रहा है? कि बस बंदे खरीदे और गहना वालों को जो है इससे इनकम हो, और बंदे खरीद भी रहे हैं इसके साथ साथ। तो अगर मेरा तो ये ओपिनियन है कि अगर आप गेम के अंदर कुछ पैसे खर्च करते हो तो उसकी जगह अगर वो पैसे आप किसी की भलाई में दे दो तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गेम के अंदर आप एकदम से खर्च करना बंद कर दो, बट जिस हिसाब से आप यार अगर खर्च करते हो उस हिसाब से अगर आप अपना खर्च और कम कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने नॉर्मल लाइफ में अगर आप उस पैसे को यूज़ करते हो तो वो आपको बेनिफिट देगा, गेम बेनिफिट नहीं देने वाला। तो गाइस यार वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक मारना, और हाँ मैं इंस्टाग्राम पे भी अभी जो है आ चुका हूँ, तो अगर आप लोगों को यार मेरे से बातचीत करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे तो आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी दिख ही रहा है, जाके जल्दी से जो मेरे को फॉलो मार लो। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।